3231 पॉजिटिव केसेज आए। पॉजिटिविटी रेट रहा 5.5%। जो हाईएस्ट केस थे 28,000 एक दिन में गए थे, अब वो कम होते हुए 3,000 के आसपास आ गए हैं। और पॉजिटिविटी जो कि 36% तक चली गई थी, वो कम होके अब 5% के पास आ गई है। थोड़ा सा राहत की बात है, परंतु मैं सबसे कहना चाहूँगा बिल्कुल भी इसको लाइटली ना लें। अगर लाइटली लेंगे तो जैसे पहले था कि भाई 2-3 महीने बिल्कुल केस नहीं आए थे, उसके बढ़ रहे थे, और अभी भी देखिएगा 3,000 केस भी हमारे को कम लग रहे हैं क्योंकि 28,000 से नीचे आए हैं। पर जब डेली 200 केस 300 केस आ रहे थे तो तब 1,000 होना भी बहुत ज़्यादा लगा था। 3,000 भी कम नहीं होते, काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इनको अभी और अच्छी तरह से कम होना चाहिए। और सभी लोगों का मतलब इसको कोरोना का जो भी अप्रोप्रिएट बिहेवियर है सबको करने की आवश्यकता है। घर से जब भी निकले, आजकल तो लॉकडाउन है, निकलने की आवश्यकता नहीं है। कोई सब्जी वगैरह लेने जाते हैं, कुछ भी जाते हैं, तो मास्क ज़रूर लगाएं, सबसे इम्पोर्टेंट है मास्क लगाना। सर, एक और चुनौती आप लोगों के सामने आई है ब्लैक फंगस की। कितने केसेस हैं दिल्ली में और किस तरह से देखिएगा, उससे परसों निपटने? तक 197 केसेस दिल्ली में एडमिटेड थे सभी अस्पतालों में मिलाकर। और उस 197 में दिल्ली के पेशेंट भी थे, दिल्ली से बाहर के पेशेंट भी थे। ब्लैक फंगस के बारे में देखो, मैं थोड़ा सा आगाह करना चाहूँगा जनता को। ब्लैक फंगस दो चीज कारणों से हो रहा है। एक तो है कि ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ना, और दूसरा है स्टीरॉयड्स की वजह से इम्यूनिटी का कम होना।